नाखून शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत सारी शक्तियों से पूर्ण होता है और बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि नाखून के माध्यम से ही किसी को भी वशीकरण, काला जादू, तंत्र मंत्र आदि किया जा सकता है, बल्कि पुराने समय से ही इन सभी चीजों का इस्तेमाल होता आया है। और काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज्यादा गलती करते हैं, यानी कि नाखून काटकर ऐसे ही कूड़ेदान में फेंक देते हैं, जिससे उनके जीवन में दुर्भाग्य आता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसको अगर आप जानेंगे तो आप अपने जीवन में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं तो नाखूनों के माध्यम से ही धन की समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर आपके जीवन में शत्रु है तो शत्रु को भी दूर किया जा सकता है। तो इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नाखून शरीर के ऐसा हिस्सा है जिसमें किसी भी व्यक्ति का ऑरा वास करता है, बल्कि काला जादू में नाखूनों के ही इस्तेमाल से किसी भी व्यक्ति के ऑरा को पकड़ लिया जाता है। नाखून का, बाल का इस्तेमाल निश्चित तौर पर होता ही है। अब काफी सारे लोग गलती ये करते हैं कि जब भी अपने नाखूनों को काटते हैं तो ऐसे ही कूड़ेदान में उन्हें फेंक देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने नाखूनों को अगर आप कूड़ेदान में फेंकते हैं तो इससे आपका खुद का ही ऑरा खराब हो जाता है। और काफी लोगों को बस इन्हीं बातों के बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि नाखूनों को जैसे ही आप कूड़ेदान, कचरे आदि में डालते हैं तो बस इसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर, आपके ऑरा पर पड़ने लग जाता है। अगर ऑरा किसी व्यक्ति का बिगड़ जाता है तो उसके मन में चिंताएं, टेंशन, डिप्रेशन आदि होने लग जाता है, यानी कि कूड़ेदान में बहुत ही ज्यादा सड़ी गली चीजें रहती हैं, और अगर आप वहां पर अपने नाखूनों को फेंक देते हैं तो बस उन्हीं सब चीजों का प्रभाव आपके ऑरा पर पड़ने लग जाता है, जिसके कारण मन में बेचैनी और डर होने लग जाता है। तो अगली बार से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कूड़ेदान में नहीं फेंकना है, बल्कि अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको नाखून अपने कभी भी खड़े जो वार होते हैं, जैसे कि मंगलवार, शनिवार, इन दिनों पर बिल्कुल भी भूलकर नहीं काटने हैं। नाखूनों को काटने के लिए केवल बुधवार और शुक्रवार का दिन आप चुन सकते हैं। शुक्रवार के दिन आप इन नाखूनों को काटकर अगर किसी भी बरगद वृक्ष की जड़ में इन्हें डालकर आ जाते हैं, या फिर जो आपके घर में आपने बहुत सारे पेड़ पौधे आदि लगा रखे हैं, आप उन्हीं गमलों में अपने नाखूनों को डाल सकते हैं। शुक्रवार और बुधवार के दिन का ही इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे ऑरा बिल्कुल क्लीन होने लग जाता है, यानी कि जितनी भी आपके जीवन में बाधाएं चल रही होती हैं या फिर कितनी भी धन की समस्याएं होती हैं, तो इससे बिल्कुल ठीक होने लग जाता है, क्योंकि नाखूनों में ऑरा होता है और यही अगर आप किसी पेड़ पौधे में डाल देते हैं तो उसी पेड़ पौधे का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लग जाता है, जिससे जीवन में आ रही धन की सभी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाती हैं। यह आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, चाहे पेड़ पौधा तुलसी का हो या फिर शमी का पौधा हो, किसी भी पौधे में आप इन्हें डाल सकते हैं। लेकिन अगर बरगद के वृक्ष में डालते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोज में भी बताया है कि बरगद के जो वृक्ष का विस्तार होता है वह काफी ज्यादा तेजी से और काफी ज्यादा होता है, यानी कि बरगद के वृक्ष को कोई भी रोक नहीं पाता है, चाहे बरगद का वृक्ष कहीं भी उत्पन्न हो जाए, लेकिन इतना ज्यादा विस्तार अपना फैला देता है कि उसकी जड़ें बहुत ही ज्यादा गहराई में मिट्टी तक पहुँच जाती है। तो बस ऐसे ही वृक्ष का आपको इस्तेमाल करना है कि बरगद के वृक्ष की जड़ में अपने नाखूनों को आपको डालकर आ जाना है। इसी प्रकार अगर कोई भी शत्रु आपके जीवन में है या फिर आपके मन में डर, बेचैनी और चिंता हमेशा ही सताती रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके मन में हमेशा ही अनजान सा भय बना रहता है, डर और चिंता बनी रहती है, जिसके कारण उन्हें नींद भी नहीं आ पाती है। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी दुर्भाग्य जीवन में घेर लेता है तो किसी भी व्यक्ति के ऑरा में आसानी से नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती हैं, और जब यही नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती हैं तो यही जीवन में तहस नहस करती रहती हैं, और खुद व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के मन में 24 घंटे ही डर, भय और चिंता बनने लग जाती है तो फिर ये समझ लें कि उसका कोई भी कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता है, बल्कि उस दौरान वह कोई भी कार्य के बारे में सोचेगा, कोई भी कार्य अपने हाथ में लेगा तो वो कार्य भी
ठप ही होने वाला है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए, सिद्धि प्राप्ति करने के लिए मन का सकारात्मक होना बेहद आवश्यक है। तो काफी सारे लोगों के साथ ये समस्याएं रहती हैं कि उन्हें रात को ठीक से नींद भी नहीं आ पाती है। तो दोस्तों, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी शुक्रवार के दिन अपने पूरे नाखूनों को, यानी के हाथों के, पैरों के सभी नाखूनों को काटकर लौंग के साथ शनिवार के दिन जलाना है। इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ शुक्रवार के दिन ही आपको अपने नाखून काटने हैं और उन्हें संभाल कर रख लेना है। फिर शनिवार के दिन इन्हें कपूर की सहायता से या किसी भी लकड़ी को जलाकर उनके ऊपर नाखूनों को जलाते हुए बिल्कुल राख उन्हें कर देना है। लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि नाखून बिल्कुल राख ही हो जाने चाहिए और उन राख को किसी भी पौधे के गमले में बस आपको फिर बाद में डाल देना है। ऐसा करने से तुरंत ही हर डर, हर भय, हर चिंता तुरंत ही समाप्त होकर राख हो जाती है। यह बड़ा ही आसान सा प्रयोग है। आप इस बात का ध्यान रखें कि जैसे बहुत सारे लोगों को परेशानियां होती हैं कि उन्हें तंत्र मंत्र आदि हो जाता है, भूत प्रेत आदि घेर लेते हैं, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में भी पूछते हैं कि उन्हें भूत प्रेत आदि का डर बहुत ही ज्यादा अधिक सताता है, जिसके कारण वो कहीं भी जा नहीं पाते हैं, खुलकर बात नहीं कर पाते हैं और कोई भी जिंदगी का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि शुक्रवार के दिन आपको नाखून अपने हाथों के, पैरों के काटकर शनिवार के दिन लौंग से इन्हें जलाना है। उस समय जलाना है जिस समय शाम होती है, यानी कि सूरज ढलने वाला होता है, और बस उसकी राख को किसी भी पौधे के गमले में आप डाल दिया करें। जैसे ही आप इस प्रयोग को करना शुरू करेंगे, आप खुद देखेंगे कि जो भी नकारात्मक चीजें आपको परेशान कर रही थी वो आपसे खुद ही डरकर भागने लग जाएंगी, क्योंकि इन सभी चीजों को, नकारात्मक जितनी भी शक्तियां होती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, इन्हें आग से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। इसीलिए जिस भी व्यक्ति का अग्नि तत्व बढ़ा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी भूत प्रेत आदि की समस्या सता ही नहीं सकती है। अग्नि तत्व क्या होता है और इसे किस प्रकार आप बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं, ये आने वाले वीडियोस में जरूर ही हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा ही खास चीजें आपको बताते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी प्रयोग हमने आपको बताए हैं, इन्हें निश्चित तौर पर आप करते रहें और खुद ही अपने जीवन में बदलाव को देख लें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य दबा कर रखें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर सबसे पहले मिला करे और कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करे। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।